आ जिहड़े लोग मारे गए है आ देसी शराब जिहड़ी पिंडां चों निकलदी जो उहदे तों नहीं मारे गए, लान तों नहीं मारे गए, आ मारे गए लोग जिहड़ी डिस्टलरी तों निकली होई ईएनए तों उहदे विच आ जिहड़े इलीगल फैक्टरी उहनां ने होर कोई चीज़ां पाईआं ने जिहदे करके मौतां होईआं। आ जिहड़ी शराब आउंदी है कित्थों आउंदी है, आ डिस्टलरियां तों आउंदी है। ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ, ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਸੀ ਕੋਈ ਲਾਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ। ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। अरे फोटोग्राफर थोड़ा पीछे यार, पीछे भी देख लो। यार फोटो पीछे आके चला यार, अपन इधर आके आ जाइए, बाकी बगड़े पर सारे आगे आ जाने सर। साइड है दीपक, पीछे यार दीपक, दीपक फोटोग्राफर। ओ यार अज भारतीय जनता पार्टी की मेन लीडरशिप ऑनरेबल गवर्नर साहब को ले आए हैं, उस परिवार ना आए हैं जिन्हां दे परिवार के मैंबरां नूं कतल किया गया कांग्रेस सरकार ने। पिछले दो ढाई साल तो कैप्टन की सरकार ने पंजाब के अंदर लिकर माफिए इन्नी खुल छुट्टी दिती है कि जिदे कारण अज पंजाब विच घट तो घट 120 तक मौत पहुँच गई, 30-35 लोग हले हस्पताल च, 15 दियां अखां चली गई हैं। आ सारा कुछ होया आ कांग्रेसियां दी लालच करके। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, तुसी गुटका साहब की सहुं खाधी सी, तख्त श्री दमदमा साहब तक हथ करके तुसी सहुं खाधी सी कि एक महीने नशा बंद कर देंगे, पर असली तुसी थोड़े मन च खोट सी, कल्ला इलेक्शन जितना चाहते सी। जदों सरकार बनी उदों दो हथ तुसी लुटना शुरू किया। पिछले 3 सालों तो मैं कह रहा कि कांग्रेस के MLA लिकर माफिया नू पाल रहे हैं, कल्ला मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहे हैं, TV चैनल कह रहे हैं। तुसी जानते हो 6 महीने पहले राजपुरे विच डिस्टिलरी फड़ी गई जिते घट तो घट 100-200 करोड़ रुपए की जाली शराब
फड़ी गई बनाउन दी डिस्टिलरी ते उत्थों दा कांग्रेस दा एमएलए हरदयाल कंबोज ते जलालपुरा मदनलाल जलालपुरा आप बचाउन ते लगे ते अज तक उन्हां नूं बचा के रखिया आप जाके उन्हां नूं पेश कराया। उहदे बाद खन्ने जिथे कांग्रेस दा जिला परिषद मैंबर दी शराब दी फैक्ट्री फड़ी गई जाली ऐजियां कई सैकड़ियां शराब दीयां फैक्ट्रियां फड़ियां गईयां बड़ा अखबार ने रौला पाया असी भी प्रोटेस्ट कीता। वड्डी तो वड्डी गल है सरकारी अफसरां ने भी बयान देना शुरू करता तुसीं सारे जानते हो कैबिनेट मीटिंग विच जदों मंत्रियों ने सवाल पूछा कि पंजाब के खजाने 5600 करोड़ का क्यों घाटा होया मैं बधाई देना चीफ सैकटरी करण अवतार सिंह जी जिन्होंने दलेरी ना किया कि जे 5600 करोड़ का घाटा होया एक्साइज का अफसर जुम्मेवार नहीं तो चीफ मिनिस्टर दे बैठे हुए कहा कि थोड़ी सरकार थोड़े कैबिनेट मंत्री थोड़े कांग्रेस के एमएलए करके घाटा होया क्योंकि जाली शराब का काम कांग्रेस के एमएलए अपने मंत्री कर रहे हैं। देखो चीफ सैकटरी एक सूबे का होए कहे कि तो ये तो वड्डा प्रूफ की लोड़ है तो हुण पर उन्होंने कुछ परवाह नहीं की। दुख इस गल का है मुख्यमंत्री एक्साइज मिनिस्टर है मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर है मुख्यमंत्री साहब तुम हूँ भज नहीं सकते तुम ए नहीं कह सकते महकमा मेरे को नहीं महकमे की जिम्मेवारी थोड़े को है आ जड़ी शराब आँदी है कितों आँदी है आ डिस्टिलरिया तो आँदी है कि डिस्टिलरिया तो आँदी है राणा गुरजीत की डिस्टिलरी एक परमजीत सरना जो कांग्रेस के धार्मिक एडवाइजर बनया फिर वो डिस्टिलरी तो जाली आ रहा है तो हूँ भी कवर अप ऑपरेशन चल रहा है हूँ की कर रहे हैं आ जड़े लोग मारे गए है आ देसी शराब जी पिंडा चो निकलती जो वो तो नहीं मारे गए लान तो नहीं मारे गए आ मारे गए है लोग जी डिस्टिलरी तो निकली हुई ईएनए तो वो आ जड़े इलीगल फैक्ट्री उन्होंने होर कुछ चीज़ा पाइया ने जिदे करके मौत हुई हैं पर एक भी डिस्टिलरी वाले पूछा नहीं जा रहा एक भी बॉटलिंग प्लांट पूछा नहीं जा रहा गरीब लोग जिन्हें तो देखी कोई लान कर रहा उन्होंने फड़ के अंदर कर रहा जान के कार्रवाई हो रही है। जेडे अफसर कहिंदे असी सस्पेंड करते सस्पेंड करना नहीं गल बनती सस्पेंड का मतलब की है अफसरां नूं कहा कि हफ्ता तुसी घरे बह जाओ थोनू फिर तो बहाल कर देंगे। कैप्टन साहब जे दम है थोड़े च जेडे अफसर उत्थों दे है उन्हां नूं सस्पेंड नहीं करो डिसमिस करो नाले वड्डी गल है जे थोड़े दम है जिन्हां ने कांग्रेसी एमएलए ने जिन्हां ने गुनाह किया मर्डर किया जे तुसी समझदे हो तुसी जे तुसी कहने हो मेरा कोई मैनू कोई पता नहीं आ गरीब परिवारों तो पुछ लो आ साडे नाल बीबी कमलजीत कौर का परिवार है जिन्हां आ देखो इस परिवार आ बीबी दे परिवार दे दो बच्चे चले गए दो बच्चे चले गए इस माता ने आ बयान दिता कि जिहड़ा सिक्की कांग्रेस का एमएलए खडूर साहब का उन्हें आ शराब का काम प्रमोट किया हल्के छह ते हो रहा है ते होर दसो वड्डी मूरी गल की है दरखास्त उन्होंने परचा करने की कोशिश नहीं की पर जो बीबी ने धरना दिता सारा फिर उन्हें दरखास्त ले ली है पर शर्म की गल है अज पंजाब सरकार ने सारे नू 2-2 लाख देता कल इन्हों दो इस परिवार को नहीं दिता कहना तुसी केस क्यों किया साढ़े ते यार गरीबां दी ते तू इंसाफ लैन वास्ते भी सानू गुना है बेचारी परिवार गरीब परिवार दे जिहड़े जी चले गए थोड़े कारण कैप्टन साहब थोड़े कारण गए हुण 2 लाख भी नहीं देने नू तैयार क्योंकि एस बीबी ने थोड़े कांग्रेस के एमएलए लिता है थोड़े कांग्रेस के डैनी आ 10 दिन पहले कैप्टन साहब थोड़ा एक साइज महकमा गया सी उहदे हल्के च ते 10 दिन पहले आई शराब के लोग जिहड़े बेच रहे स्मगलर नू फड़न वास्ते ते डैनी ने उन्हां छोटे अफसरां दे
खिलाफ परचा दे के अंदर किया, फिर बयान दिता अखबार च कि मेरे हल्के च कोई एक्साइज अफसर नहीं आ सकता। की परचा नहीं बनता कतल दा उत्ते? जंडियाला गुरु हल्के च 20 तो 25 मौत हो गई डैनी के उत्ते, इमीजिएट परचा क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं रजिस्टर करते? क्योंकि थोड़े MLA है, भुल्लर भी थोड़ा MLA है, सिक्की भी थोड़ा MLA है, जलाल उस्मान भी थोड़ा अपना जलालपुर भी थोड़ा MLA है, कमो भी थोड़ा MLA है। इस मतलब थोड़े MLA खुली छुट्टी है, जिन्होंने मर्जी मार लैन। तो वड्डी गल कैप्टन साहब, थोड़े गुंडे हुण वो जिहड़े बीबियां परिवार है जिन्होंने पर जिन्होंने दरखास्तां दित्तियां, थोड़े गुंडे आके हुण धमकाउंदे है, कहिंदे आ थोनूं असीं मार दांगे जे तुसीं दरखास्त वापस ना लैती। थोड़े कांग्रेस के वर्कर साढ़े जिहड़े गरीबां दे घरे जा रहे है ते उन्हें धमकाउण ते लगे, आ गुंडा राज नहीं चलन देवांगे। कैप्टन साहब तुसीं थोनूं पंजाब की जनता ने वोटा पा के बनाया, झूठियां सौं खा लिया, चलो सरकार बन गई, घट तो घट गरीबां की जाना तो ना खेडो। जिस तरीके ना तुसीं अग मचाई है, अत मचाई है पंजाब, जाना की परवाह ही नहीं। मैनू लगता नहीं हिंदुस्तान च कोई मुख्यमंत्री होगा जे ऐसा हादसा किसी सूबे हो जाए मुख्यमंत्री ने आप जाना सी। इत्थे मुख्यमंत्री महलां च बैठा है, फार्म हाउसां च बैठा है, उन्हूं जी उहदा जी नहीं करता उत्थे जाण दा। मुख्यमंत्री साहब निकलो महल चो, आप बेचारे गरीबां दे घरे जाओ जिन्हां दे परिवारां दे जी तुसीं मार दित्ते। इन्हां दे बेचारियां दे गरीबां दे घर देखो जे रोटी मसा पकदी है, जिस घरां च रोटी मसा पकदी है अज उत्थे उन्हां हालत देखो। ते थोनू थोड़ा तुसीं सोचदे हो कि थोनू जाण दी लोड़ नहीं, थोड़ा थोड़े मैनूं लगदा दिल नहीं है, थोड़े कांग्रेसीए दिल नहीं। इक जाखड़ साहब जिहड़ा रोज़ तुसीं झूठे ते झूठे बयान, हुण अज जाखड़ क्यों नहीं बोल रहा? जाखड़ कांग्रेस का प्रेजिडेंट क्यों चुप है? क्योंकि सारे ही महीना लेंदे है, सारे सेंटर की कांग्रेस राजीव गांधी नूं इत्थों ही आ जिहड़ा शराब का पैसा इकट्ठा हुंदा डिस्टलियां तों इकट्ठा हुंदा सारा राहुल गांधी कोल जांदा ते कांग्रेस कोल जांदा है, तां ही सारे चुप बैठे है। आ एक बहुत वड्डा नैक्सस, असीं गवर्नर साहब नूं अज कहा साडी श्रोमणी अकाली दल की डिमांड है, आ जिहड़ी SIT बनाई है दूजियां चीज़ां बनाईआं सानूं कोई मंजूर नहीं, सानूं पता कोई इंसाफ नहीं होगा। SIT एक तरीका है कांग्रेसी नूं बचाउण दे, असीं इमीजिएटली डिमांड करते हैं CBI की इंक्वायरी, इमीजिएटली डिमांड करते हैं अफसर जिहड़े थल्ले ते उत्ते जिहड़े इनवॉल्व है डिसमिस होने चाहिए है, असीं इनवॉल्व कर असीं डिमांड करते हैं जिहड़े दरखास्त दे नाल जिहड़े लोकां दे परिवार मर गए जिन्होंने मार दिता तुसीं, उन्होंने प्यार परिवारों के बयान जो दिते जिवें बीबी ने दिते सिक्की के खिलाफ दूजे ने दिते MLA के खिलाफ, उन्होंने MLA रैसट करो तो उन्होंने अंदर करो।